Welcome you all to today's maths class. Today we'll be studying the rest of the decimal chapter, which includes addition, subtraction, multiplication and division of decimals. So, pehle hum padhenge about addition. It is very simple, students. Jaise hum fraction mein dekhe the addition, waise hum decimals bhi kar lenge, theek hai? Starting with the simplest examples, 4.3 plus 2.52 kitna hoga? यहाँ पे गौर करना स्टूडेंट्स, हमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हमें पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा, ठीक है? लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, मैंने बोला था जीरो बिठाना है। यहाँ पे टेंथ है, यहाँ पे हंड्रेड है, तो टेंथ वाले में हमें यहाँ पे जीरो बिठाना होगा। सो वी कैन राइट 4.3 एज 4.30, राइट? Now we'll add them. 4.30 plus 2.52. So we are getting 2 plus 0, 2, 5 plus 3, 8.4 plus 2, 6. ठीक है? So the answer is 6.82. तो students, हमेशा याद रखना कि जब add करना होगा तब हम इसको like decimals बनाएंगे। दो के जगह अगर तीन decimals दिया होता, like for example 2.5 plus 3.62 plus 1.01, ठीक है? ये कितना होगा? इसमें देखो, क्या ये like decimals है? नहीं है ना? Like decimals कब होगा? जब ये 100, ये भी 100 और ये भी 100 हो, ठीक है? इसके लिए हम लिखेंगे 2.50, 3.62, 1.01, फिर हम इसको ऐड करेंगे। सो वी आर गेटिंग 3, 11, कैरी 1, 8.13, ठीक है? सॉरी 7.13, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी तरह हम ऐड कर रहे हैं। अब हम देखेंगे 21.346 प्लस 3.241। हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद जो नंबर्स है दैट वो देख के हम पता करेंगे कि ये लाइक डेसिमल्स है या नहीं, ठीक है? फिर हम इसको ऐड करेंगे। 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 2 5 पॉइंट, 3 प्लस 1 4 एंड 2। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 31.775 प्लस 27.391, ये कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, ये लाइक डेसिमल्स में दिया ही है, फिर भी लिख लेते हैं। सो वी आर गेटिंग 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 7 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 कैरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, कैरी 1, फिर होता है 1 प्लस 7 8 एंड 9, 3 प्लस 2 5। सो वी आर गेटिंग 59.166। ये हो गया हमारा एडिशन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है? अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सी द क्वेश्चन, 324.753 माइनस 24.350। तो इसको हम लिखेंगे, पहले देख लेंगे कि ये लाइक डेसिमल्स है कि नहीं। ये लाइक डेसिमल्स है क्योंकि पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये थाउजेंथ है, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी आर गेटिंग 304003। सो दिस इज द आंसर। इसको हम नॉर्मली कर दिए, लेकिन अगर ऐसे रहता कि 2.4 माइनस 12.4 माइनस 3.04, तो फिर हम क्या करते हैं इसको? 12.4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 100 है, इसका मतलब 4 0 बिठा देंगे, फिर माइनस 3.04, फिर जैसे करते हैं 6 कैरी 1, 12 माइनस 3 कितना होता है? 9। सो द आंसर विल बी 9.36। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? सो वी हैव डन
subtraction and addition. Now we'll be doing multiplication and division. Kenge multiplication, theek hai? Multiplication mein hum pehle dekh lete hain simple example se 4.5 into 3 kitna hoga. Isko hum do methods mein kar sakte hain. Pehle decimal ko fraction mein convert karke jo ki ho jayega 45 by 10. ठीक है, 4.5 को हम लिख सकते हैं 45 by 10 into 3. फिर हम क्या करेंगे, 45 into 3 by 10. ठीक है, फिर जैसे हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 2s are 10, 5 9s are 45, फिर 3 9s are 27, 27 by 2. Then we can simply divide 27 by 2, so we are getting 13.5. ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे था 4.5 इंटू 3, हम इसको डेसिमल के जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 है, इसका मतलब 3 को हम लिख सकते हैं 3.0, ताकि ये लाइक डेसिमल्स हो जाए, है ना. तो अब हम लिखेंगे 4.5 इंटू 3.0. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसे करना, ठीक है. ये पॉइंट को भी मत देखना, सिर्फ पॉइंट को जब हम एक के नीचे और एक लिख रहे हैं बस तभी याद रखना कि एक के नीचे एक को, मतलब ये टेंथ है, ये भी टेंथ है, ये वंस है, ये वंस है, ठीक है. ऑर्डर देखना है कि ये सेम है या नहीं, फिर हम डेसिमल्स है बोल के भूल जाएंगे. जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे. सो वी आर गेटिंग लाइक दिस. हो गया, ये है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. अब पॉइंट में है, यहां पर देखो इसके पीछे भी पॉइंट है, मतलब इसके आगे एक नंबर और इस पॉइंट के आगे भी एक नंबर. तो जो फाइनल आंसर होगा, दो नंबर के पीछे हम पॉइंट बिठाएंगे, ठीक है. तो आंसर विल बी 13.50 और वी कैन राइट 13.5 सिंपली. फाइन, और एक देख लेते हैं, 2.5 इंटू 0.25, इसका क्या होगा. अब देखो ये टेंथ है और ये हंड्रेड है, पहले हम इसको लाइक डेसिमल्स बनाएंगे. सो वी हैव 2.50 इंटू 0.25. फिर जैसे करते हैं, अब देखो यहां पर और ये जीरो, यहां पे दो, यहां पे दो, दो नंबर के पीछे पॉइंट है, यहां पे दो नंबर के पीछे पॉइंट है, मतलब फाइनल आंसर में चार नंबर के पीछे पॉइंट बिठेगा, ठीक है. सो इट इज 0.625. अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इजी मल्टीप्लीकेशन. पहले हमें हमेशा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, हमें हमेशा देखना है कि वो लाइक डेसिमल्स है या नहीं. फिर हमें ऑर्डर में बिठाना पड़ेगा एंड देन जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे. फिर जो लास्ट में देखना पड़ेगा पॉइंट कहाँ बैठेगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है. हम देखेंगे ये दो नंबर में, यहाँ पर एकदम मत देखना, लाइक डेसिमल्स पे कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर निकलता है तब देखेंगे कितने नंबर के पहले ये डेसिमल था और यहाँ पे कितने नंबर के पहले डेसिमल था. जितने नंबर यहाँ पे, जितना नंबर यहाँ पे रहेगा उतना फाइनल आंसर उतना डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट होगा. अंडरस्टूड? दिस वाज योर मल्टीप्लिकेशन. अब हम देखेंगे डिवीजन. अब देखो डिवीजन करने पर भी हम
दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक है हम फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करके करेंगे और दूसरा है कि हम डेसिमल्स पे ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है सपोज 1.21 डिवाइडेड बाय 11 कितना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन का देखो, सपोज दिया है 987.45 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले ना ये डेसिमल्स भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि जो डेसिमल पॉइंट है ये दो डिजिट के पहले है। ठीक है, फिर जैसे नॉर्मल डिवाइड हम करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे। उस प्रोसीजर में करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है। अब हम फिर से डेसिमल पॉइंट को याद करेंगे क्योंकि पॉइंट बिठाना है, कितने डिजिट के पहले ये पॉइंट है, दो डिजिट, तो मतलब लास्ट से दो डिजिट पहले हम ये पॉइंट बिठा देंगे। सो द आंसर विल बी 197.49। ठीक है, डिवीजन बहुत ही सिंपल है, इसको आप फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो। 987.45 इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 987.45 by 100। क्यों 100? क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है, ये डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब 98745 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1/5, क्योंकि डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 के नीचे 1 है ना, ऐसे सीखे थे हम पहले फ्रैक्शन में। तो अब हम इसको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आता है 197.49, देन 197.49 डिवाइडेड बाय 100 विच मींस बाय 100 है मतलब 197.49। ठीक है, हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है डेसिमल्स का। तो यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। फिर प्रॉब्लम सम्स में देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी एडेड टू 0.876 टू गेट 9.000, मतलब आपको 9.000 से 0.876 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 208 टू गेट 105.43, तो 208 से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 105.43 आता है, तो ये दो नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन ही विल गेट द रिजल्ट। राधा बॉट 32.5 सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन, 45.2 सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन रिबन एंड 23.7 सेंटीमीटर ऑफ ब्लू रिबन, हाउ मच टोटल रिबन डिड शी बाय, तो ये तीनों को ऐड करना होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में दिया है, सो इट विल नॉट बी अ बर्डन टू ऐड। अ कंटेनर होल्ड्स 54.8 लीटर ऑफ वाटर, इफ श्रेया यूज 24.9 लीटर देन हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, मतलब 54.8 माइनस 24.9, ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में दिया है, सो आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए। यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट, फिर जैसे डेसिमल पॉइंट जहां होना चाहिए वैसे आप 10th प्लेस के पहले बिठाओगे। ये हो गया एक। फिर है 5.3, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है सिंपली, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो या सिंपली जैसे डेसिमल्स में मैंने सिखाया वैसे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी देखो सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 987.214 इनटू कितना करने से 98,721.4 होगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू देखो, ये 1000th है, 2 का बी 1000th प्लेस है, लेकिन आंसर में देखो वो 10th प्लेस में हो गया, तो कितना मल्टीप्लाई करने से 100 या 10 कितना मल्टीप्लाई करने से वो 98,721.4 होता है, ये बस आपको देखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करने से होगा या 100 से करने से होगा या 1000 से। ठीक है,
Question number 3. The cost of 1 kg of scrap is ₹10.50. What is the cost of 25.50 kg of scrap? 1 kg ka daam diya hai, aapko 25.50 kg ka nikalna padega. To aapko ye multiply karna hai. Ye bhi like decimals mein diya hi hai already. जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे, फिर चार फ्रैक्शनल पार्ट मतलब चार डिजिट का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उससे पहले आप डेसिमल पॉइंट बिठाएंगे. इफ़ इन एन आवर मायरा ट्रैवल 0.678 किलोमीटर, देन हाउ मच डज शी ट्रैवल इन 2.5 आवर्स. एक घंटे में इतना किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में कितना, ये भी मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर लाइक डेसिमल्स में नहीं दिया है, तो आप पहले लाइक डेसिमल्स में कर लीजिए, या फिर अगर आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो फिर आपको क्या करना है, 678 के साथ पहले 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जितना नंबर आता है फिर चार डिजिट के पहले पॉइंट बिठाना है. ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई. अब ये है डिवीजन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज. यहाँ जो भी है डिवाइड करना है, ये भी बहुत ही आसान है. आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो या फिर डेसिमल्स में. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 105.6 मीटर लॉन्ग एक क्लोथ है, दैट शुड बी कट इन 6 इक्वल पीसेस, तो एक पीस का लेंथ कितना होगा, ये डिवाइड करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 230.88 के साथ 12 को डिवाइड करना होगा, फिर जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हो वैसे कर देना, उसके बाद पॉइंट दो डिजिट के पहले है, मतलब 100th है वो, तो आपको आंसर में दो डिजिट से पहले पॉइंट बिठाना है. और ये रहा आपका होमवर्क MCQ एंड दिस वन आल्सो. यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सम्स हैं आप खुद से करेंगे. ठीक है, थैंक यू.